हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक सुपर ब्राइट एलईडी पैनल जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा। और कहीं जैसे कैसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। और कहीं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 1 वाट के सुपर ब्राइट एलईडी। और गाइज, यहाँ पर मैं 21 पीस यूज़ कर रहा हूँ इनके। गाइज, इनका जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप ये मेरे ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं गाइज। और गाइज, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेरे ऑनलाइन स्टोर पे बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल हैं, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना। मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अब सबसे पहले जो एलईडी की टर्मिनल्स हैं उनको हम फ्लैट कर लेंगे। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप बस वीडियो पर बने रहिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सभी एलईडी के टर्मिनल्स को इस टाइप से फ्लैट कर लिया है। अब इन्हें हमें माउंट करना है, तो इसके लिए हमें एक हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एल्यूमिनियम की एंगल बार। और गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी हैवी एंगल बार है। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप ये मेरे ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और मैं मार्किंग करके इसको कट कर लूँगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है और हमारे जितने भी एलईडी हैं सारे इसी में माउंट होने वाले हैं। अब गाइज, हमारे एलईडी की जो बैक साइड है उसको हम घिस लेंगे सैंड पेपर के ऊपर ताकि ये अच्छे से चिपक पाए हमारे हीट सिंक में। अब गाइज, हम इसी टाइप से हमारा जो हीट सिंक है उसकी सरफेस को भी रब कर लेंगे सैंड पेपर से। तो गाइज, अब हम इसके बाद हमारा जो हीट सिंक है उसमें हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे एलईडी लगने वाले हैं वो सारे मार्किंग के बेस पे ही इसमें लगेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैंने हीट सिंक में मार्किंग कर दी है और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं सारे एलईडी इसमें चिपका दूंगा। और यहाँ पर मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ, सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ एलईडी को हीट सिंक में चिपकाने के लिए। और गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो चिपकाते हो एलईडी को हीट सिंक में फेविक्विक से, तो ये जब एलईडी गर्म होता होगा तो ये निकल जाता होगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलता। और अगर आप इसे जानबूझ के निकालोगे तो ये एलईडी ही टूट जाएगा, लेकिन ये निकलेगा नहीं गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, मैंने सारे एलईडी लगा दिए हैं मार्किंग के अकॉर्डिंग और ये काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में। तो चलिए, पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप जो 3 एलईडी देख रहे हैं ये सीरीज में कनेक्ट हैं। और इसी टाइप से हमारे पास 7 सेट हैं एलईडी के जो कि सारे ही सीरीज में कनेक्ट हैं। अब हम इन 7 सेटों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी कि सारे पॉजिटिव को एक साथ मिला देंगे और सारे नेगेटिव को एक साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ पहले। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं कनेक्शन करने के लिए कॉपर का जो वायर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसमें से हमको 2 वायर निकालना है इनपुट के लिए। तो पहले हीट सिंक में मैं 2 होल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हीट सिंक में 2 होल कर दिए हैं। अब मैं इनमें 2 वायर कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दोनों वायर थी मैंने कनेक्ट कर दिया है इनको। अब गाइज, इसमें मैं एक रेजिस्टेंस लगाने वाला हूँ 1 ohm and 5 watt का, और ये एक कस्टमाइज रेजिस्टेंस है गाइज, तो इसको बनाना काफ़ी ईजी होता है। बस आपको एक इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए पतला वाला, तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 35 नंबर का जो वायर है वो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो एलईडी पैनल है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए, आप अपन इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसे चलाने के लिए गाइज, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी
जो कि मैंने अभी रिसेंट में ही बनाई है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसका वीडियो देख सकते हो। तो देखिए गाइज, ये ऑन हो चुका है और इसका लाइट भी आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो चलिए मैं आपको इसको बाहर चेक कराता हूँ। गाइस सच में इसका लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, भले ही आपको कैमरे में उतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसका लाइट गाइस सच में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। गाइस तो गाइस अगर आप सुपर क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परचेस करना चाहते हैं, वो भी बहुत चीप प्राइस में, तो आप ज़रूर से मेरे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर विजिट कीजिएगा। मेरे स्टोर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।